नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नया वीडियो में। दोस्तों, एक फौजी रिटायर होने के बाद भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से कहीं सारा वेलफेयर स्कीम्स दिया जाता है और कहीं सारा वेलफेयर दिया जाता है फाइनेंशियली। उनमें से कुछ है एजुकेशन का, और फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ तक का असिस्टेंस दिया जाता है। ट्वेल्थ के बाद प्रोफेशनल कोर्सेस में 30,000-35,000 का असिस्टेंस दिया जाता है, और लड़की के लिए शादी के लिए भी असिस्टेंस दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस तरफ का जब एप्लीकेशन अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद इसका जो पैसा आने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा 3 महीना 4 महीना 1 साल 1.5 साल भी लग सकता है कहीं कहीं बार। उस दौरान हमने थोड़ा पेशेंस से रहना पड़ता है, क्योंकि इनका पास भी फंड होना ज़रूरी है, तभी हमको इन्होंने अप्रूवल होने के बाद अपना अकाउंट में पेमेंट डाला जाता है दोस्तों। लेकिन कहीं सारा लोगों को SMS का द्वारा, मेल्स का द्वारा रिकमेंडेड का, अप्रूवल का मैसेज आ जाता है, लेकिन जब हमने लॉगिन करके केंद्रीय सैनिक बोर्ड का वेबसाइट में चेक करता है, उस दौरान उनको अप्रूवल का, रिकमेंडेड का कोई भी मैसेज अपडेट नहीं होता है। तभी अपना भाइयों ने कहीं सारा कन्फ्यूज़न में रह जाता है, हमको जो मैसेज आया वो सही है कि नहीं, हमारा जो पेमेंट है वो आएगा नहीं आएगा, इस तरफ का कहीं सारा कन्फ्यूज़न में रह जाता है। इसी का बारे में मैं कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए इस वीडियो बनाया हूँ। आखिर तक बने रहिएगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो में चलते दोस्तों। हमने एक एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद कोई भी कार्रवाई होता है, आपको सिस्टम जनरेटेड ईमेल इस तरफ से आ जाता है। यहाँ पे हमको मैसेज आया है केंद्रीय सैनिक बोर्ड का तरफ से, रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन एप्लीकेशन इन्होंने रिकमेंड किया है, उसी का इन्फो हमें दिया गया है मेल का थ्रू। डियर फलाना सिंह, योर एजुकेशन एप्लीकेशन हैज़ बिन रिकमेंडेड बाई KSB क्लर्क, एजुकेशन रेफरेंस नंबर, प्लीज़ डू नॉट शेयर योर लॉगिन ID एंड पासवर्ड विथ इन anyone. This is an auto-generated email. दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का तरफ से क्लर्क ने हमारा एप्लीकेशन को रिकमेंड किया गया है। अपना एप्लीकेशन देश भर के कहीं सारा एप्लीकेशन इनके पास जाता है, वो भी प्रॉपरली उनका जो सीनियरिटी होता है, सीनियरिटी के हिसाब से इन्होंने रिकमेंड किया जाता है दोस्तों। उसके बाद उनके पास जैसे फंड्स होता है, फंड्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपना जो एप्लीकेशन है अप्रूवल करके, उसके बाद आपका अकाउंट में पैसा डाला जाता है। अब देखिएगा, इसी तरह से SMS भी आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकता है, योर एप्लीकेशन नंबर फलाना हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय, रिकमेंडेड बाय KSB क्लर्क, काइंडली लॉग इन टू योर KSB अकाउंट फॉर मोर डिटेल्स। अब हमने जो KSB अपना अकाउंट है वहाँ पे जाके लॉग इन करके चेक करेंगे, वहाँ पे क्या स्टेटस है। अब देखिए दोस्तों, KSB.gov.in वेबसाइट है, यहाँ पे गया हमने, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जितना भी आज तक आपने जो एप्लीकेशंस अप्लाई किया है, ये सारा का सारा इस तरफ से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकता है, जितना भी एप्लीकेशंस आपने अप्लाई किया है आज तक का, ये सारा का सारा एप्लीकेशन इस तरफ से शो किया जाता है, एजुकेशन का, होम लोन का, एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, ये एजुकेशन एप्लीकेशन है, फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक का जो बच्चों के लिए अप्लाई कर सकता है। सालाना 12,000 रुपये एक बच्चे के लिए दिया जाता है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ये असिस्टेंस दिया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकता है आपने, हमने ईमेल में देख चुका था रिकमेंडेड बाई KSB, लेकिन यहाँ पे देखिएगा KSB का कॉलम पेंडिंग रह गया। ठीक है दोस्तों, मैं यही बताना चाह रहा था, जब उनके पास फंड्स होगा तभी उन्होंने अपना अकाउंट में अप्रूवल करने के बाद अपना अकाउंट में पैसा डालता है। पैसे डालने के बाद ही यहाँ पे सिस्टम अपडेट होता है, इस तरफ से अप्रूव करके शो किया जाता है दोस्तों। आपको जो मेल और SMS में आया था रिकमेंडेड बाई KSB क्लर्क करके मैसेज आया था, वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो KSB अकाउंट में जब लॉगिन होता है, यहाँ पर अभी भी पेंडिंग रह जाता है। जब उनके पास
फंड्स अवेलेबल होगा उस पैसा जब अपना अकाउंट में डाल देता है उसका बाद ही इस तरफ से अपडेट होता है दोस्तों, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे से कंफ्यूज मत होइएगा, आगे जितना भी आपने एप्लीकेशन अप्लाई करता है इसी तरफ से ही होता है दोस्तों। इसी कंफ्यूजन कई सारा लोगों को मैं देखा हूँ, तभी ये वीडियो बनाया हूँ। इस तरफ से कई सारा भाइयों ने कंफ्यूज हो रहा होगा, इसी वजह से ये वीडियो बना के आप तक पहुँचाया हूँ।